हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा। क्या आपने कभी शतधोत घृतम के बारे में सुना है? शतधोत घृतम का मतलब है घी को 100 टाइम वॉश करके एक क्रीम तैयार करना। पुराने टाइम पे ज़्यादातर लोग ये क्रीम्स यूज़ करते थे, जिससे इनको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलते थे। और आजकल भी बहुत सारे लोग इस प्रोसीजर से क्रीम बनाते हैं और उसको यूज़ करते हैं। मार्केट में भी बहुत सारे शतधोत घृतम अवेलेबल हैं। तो शतधोत घृतम में होता क्या है, घी को 100 टाइम्स या बहुत सारे लोग 100 टाइम्स से ज़्यादा बार वॉश करते हैं। अब वॉश कैसे किया जाता है, तो तांबे का आप एक बर्तन लीजिए, प्लेट वगैरह ले लीजिए, उसमें घी लीजिए और उसमें पानी डाल के तांबे के कटोरी या ग्लास से लोग उसको ऐसे घिस घिस के वॉश करते हैं। और जो क्रीम बनती है उसको वॉश करने से, उसको ऐसा क्रीम, फेस क्रीम, मॉइस्चराइजर यूज़ किया जाता है। ये जो शतधोत घृतम होते हैं, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि सनबर्न, रिंकल्स, कोई भी कट है स्किन पे, वूंड्स हैं, ड्राइनेस का प्रॉब्लम है, रिंकल्स का प्रॉब्लम है, ऐसी बहुत सारी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने में ये यूज़ किया जाता है। और स्किन की ड्राइनेस को दूर करने में शतधोत घृतम कमाल का काम करता है। तो मैंने इसके बारे में काफ़ी दिनों पहले ही सुना था, पर मैं सोच रही थी कि घर पे बनाना तो मुश्किल होगा, कोई मुझे मार्केट की क्रीम मिल जाए जिसको मैं यूज़ कर सकूं। अभी मैं एक यूट्यूबर को फॉलो करती हूँ, शमाप्ती, उन्होंने इस क्रीम के बारे में बहुत ज़्यादा बात की, तो मैंने इसको परचेस कर ली। ये है कोटा काल शतधोत घृतम क्रीम, जो कि 20 ग्राम के पैक में आती है। प्राइस इसका 100 रुपीज़ है। तो उन्होंने इसके बारे में काफ़ी कुछ बातें की थी, वो उसको यूज़ कर रही हैं, तो मैंने सोचा मैं भी इसको एक बार यूज़ करके देखती हूँ। तो मैं अभी 10 से 15 दिन हो गए इसको यूज़ कर रही हूँ, इसी क्रीम के बारे में बताने वाली हूँ। शतधोत घृतम है, इसमें आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कंटेंट्स की बात करूँ तो ईच 10 ग्राम इसका प्रिपेयर किया गया है घृतम से। इसमें 10 ग्राम घी यूज़ किया गया है, जो वॉश्ड घी होता है वो यूज़ किया गया है। इसके अलावा इसमें छिर वृक्ष वाक यूज़ किया गया है। तो छिर वृक्ष वाक 5 तरह के जो पेड़ होते हैं उनकी बाग से तैयार किया जाता है, जो कि स्पेशली ये जो शतधोत घृतम है इसमें यूज़ किया जाता है। इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं, स्किन रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने में ये हेल्प करता है। तो उसमें ये दोनों चीज़ें यूज़ की गई हैं। इसके टेक्सचर की बात करूँ तो ये कुछ इसका टेक्सचर घी की तरह ही है और थोड़ा सा दानेदार सा है, पर जब आप इसको अच्छे से मसाज करते हो तो इसके जो हल्के हल्के दाने हैं वो मेल्ट हो जाते हैं। फ्रेग्रेंस बिल्कुल जैसे घी है, प्योर घी वैसी ही है। और ऐसे अगर आप इसको अपने स्किन पे मसाज करोगे तो बहुत अच्छे से मसाज करके आप इसको लगा सकते हो। ये क्रीम मुझे सबसे अच्छी लगी ड्राइनेस को दूर करने में, ये आपकी ड्राइनेस को बहुत अच्छे से दूर करती है। तो कुछ आप इसको इस तरह से लगा सकते हैं। तो मेरी ऑयली स्किन है, जब मैंने इसको एक दिन यूज़ किया तो मुझे लगा कि नहीं भाई, ये मेरे लिए तो नहीं है, क्योंकि ऑयली स्किन पे आप घी जैसी चीज़ें लगाओगे तो आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, और ऊपर से मेरी स्किन एक्ने प्रोन भी है। तो मैंने इसको एक दिन ही फेस पे लगाया, पर मैं इसको बिल्कुल नहीं कहूँगी कि अगर आपकी ऑयली स्किन है, एक्ने प्रोन स्किन है, एक्टिव एक्ने है, तो आप फेस पे लगाइए। पर अगर आपकी ड्राई स्किन है तो मैं कहूँगी ड्राइनेस को दूर करने के लिए आप इसको फेस पे बिल्कुल ट्राई करके देखो, आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ड्राइनेस को ये बहुत अच्छे से ट्रीट करती है। इस क्रीम को एज अ लिप मास्क आजकल यूज़ करती हूँ, दिन में भी मैं एज ए लिप बाम की तरह इसको लगाती रहती हूँ, और ओवरनाइट मैं इसको एज अ लिप मास्क लगा के रखती हूँ, और ये सच में कमाल का काम करता है। तो अगर आपकी स्किन पे ड्राइनेस है, कहीं भी बॉडी पे ड्राइनेस है, तब आप इसको लगा सकते हैं। क्रैक हील्स का प्रॉब्लम है तब बिल्कुल ये आपकी हेल्प करेगा, आप इसको लगा सकते हो। और ड्राई लिप्स को ट्रीट करने के लिए मैं कहूँगी बिल्कुल आप इसको यूज़ करके ज़रूर देखिए। बच्चों के भी बहुत ज़्यादा ड्राई लिप्स हो जाते हैं, तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सेफ है, काफ़ी अच्छा है, और जब आप इसको यूज़ करोगे ना तो आपको लगेगा कि यार कोई बहुत अच्छी प्योर आयुर्वेदिक चीज़ आप यूज़ कर रहे हो। तो मेरे लिप्स पे इसने कमाल का काम किया। और कभी कभी मुझे हाथों पे ड्राइनेस लगने लगती है तो मैं इसको ऐसे ही हाथों पे लगा लेती हूँ, और ये बहुत लंबे टाइम तक मेरे हाथों की या कहीं भी मुझे ड्राइनेस लगती है, जैसे कई बार आपको हील्स पे थोड़ी सी ड्राइनेस फील होती है, तब मैं इसको लगा लेती हूँ, तो बहुत लंबे टाइम तक ये ड्राइनेस को दूर करने में बहुत अच्छे से हेल्प करता है। तो मुझे ये क्रीम बहुत अच्छी लगी, और भाई सिर्फ ये 100 रुपीज़ की है, और 100 रुपीज़ के हिसाब से ये कमाल का काम करती है। बिल्कुल ईजिली आपको ये ऑनलाइन मिल जाएगी, और शायद ऑफलाइन भी आपको मिल सकती है। तो कोई अच्छा सा, सस्ता सा
शहदूत घृतम यूज़ करना चाहते हो तो ये क्रीम मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और भी बहुत सारी क्रीम्स आपको मिल जाएंगी, पर कोई भी क्रीम मुझे इतनी सस्ती नहीं दिखी। ये सबसे ज़्यादा सस्ती है, काफ़ी अच्छे से काम करती है। तो बिल्कुल आप अपने स्किन की ड्राइनेस को, चैप्ड लिप्स की प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए इस क्रीम को यूज़ कर सकते हैं। मैं कहूँगी बिल्कुल एक बार इसको लेके देखो, काफ़ी अच्छी है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी परचेजिंग लिंक दे दूंगी, वहां से आप इसको परचेज भी कर सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।